दोस्तों टीम इंडिया आज दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ धर्मशाला में खेलने के लिए उतरेगी, तो जर्सी में ओप्पो की जगह दूसरे कोई और नया नाम होगा। चीनी कंपनी ओप्पो को टीम इंडिया की जर्सी से छुट्टी दे दी गई है। स्वदेशी कंपनी का नाम मेंस ब्लू की जर्सी में देखा जाएगा। परियोजक द्वारा ओप्पो टाइटल्स को भारतीय कंपनी बेजू को बेच दिया गया है। नई जर्सी का उद्घाटन टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली, सह कप्तान रोहित शर्मा और कोच रोबी शास्त्री ने धर्मशाला में किया। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ T20 मैच में भारतीय टीम ने परियोजक बेजू की जर्सी पहन के मैदान में उतरेंगी। मैच से पहले प्रैक्टिस में टीम इंडिया को नए परियोजक के नाम की जर्सी पहनते हुए देखा गया था। शनिवार को टीम के कप्तान विराट कोहली की प्रेस कॉन्फ्रेंस में बेजू को परियोजित जर्सी पहने हुए देखा गया था। आपको बता दें कि ओप्पो ने टीम भारत के लिए एक परियोजक के रूप में 5 साल के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए, लेकिन उन्होंने बीच में छोड़ने का फैसला किया और उन्होंने अपनी संपत्ति बेजू को बेच दी। 2017 साल को ओप्पो टीम भारत की जर्सी में टाइटल परियोजक के आधार पर 1 करोड़ रुपए में खरीदे। दोस्तों खबर के अनुसार ओप्पो के लिए यह सौदा बहुत महंगा हो गया और यही वजह है कि वे अपनी संपत्ति बेजू को बेच देते हैं। ओप्पो के जाने के बाद भी CBI को नुकसान नहीं होगा, बॉल उतरते ही पैसे कमाएगा जितना चीनी कंपनी को ओप्पो चुकाती थी और यह सौदा 31 मार्च 2022 तक चलेगा। ओप्पो ने द्विपक्षीय सीरीज में हर मैच के लिए BCCI को 4.6 करोड़ का भुगतान किया। ICC और एशिया कप खेलों के दौरान कंपनी ने BCCI को प्रति मैच 1.92 करोड़ का भुगतान किया। इस बार पैसे का भुगतान भारतीय कंपनियों द्वारा किया जाएगा। बेजू कोचिंग के बिना ऑनलाइन पढ़ाने और ट्यूशन करने के लिए पूरे देश में प्रसिद्ध है। पिछले कुछ वर्षों में कंपनी के नाम और पैसा दोनों कमाया। खबरों के अनुसार ऑनलाइन कोचिंग के जरिए बेजू हर साल 260 करोड़ कमाता है। दोस्तों और अधिक जानकारी के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी जरूर दबाएं। धन्यवाद।